दोस्तों अक्षय कुमार के ब्रदर इन लॉ यानी कि अक्षय कुमार के साले करण कपाड़िया की फिल्म ब्लैंक रिलीज हो चुकी है और जैसे ही फिल्म रिलीज हुई है इसको काफ़ी ज़्यादा दर्शकों द्वारा वाह वाही मिलने लगी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले अक्षय कुमार ने अपने दर्शकों से गुजारिश की थी और अपने फैन से गुजारिश की थी कि वो जाएँ और इस फिल्म को ज़रूर देखें और हाल ही में अक्षय कुमार खुद भी इसकी स्क्रीनिंग में पहुँचे और उन्होंने फिल्म देखी। आपको बता दें कि अक्षय कुमार अब फिल्म देखने डिम्पल कपाड़िया और ट्विंकल खन्ना के साथ पहुँचे थे, वहीं करण कपाड़िया भी उनके साथ मौजूद रहे। मूवी की स्क्रीनिंग के दौरान सनी देओल तो नहीं दिखे लेकिन फिल्म जो है रिलीज की गई और स्क्रीनिंग के दौरान काफ़ी सारी जो है सेलिब्रिटीज़ को एक साथ देखा गया। वहीं अक्षय कुमार से जब पूछा गया कि उनको फिल्म कैसी लगी है तो अक्षय कुमार ने इस फिल्म को लेकर एक ही जवाब दिया, वंडरफुल। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि फिल्म बेहद शानदार है और इस फिल्म के अंदर करण कपाड़िया जिस लेवल की एक्टिंग कर रहे हैं मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे एक्टर भी हैं। दोस्तों उन्हें लगता था कि करण कपाड़िया एक ठीक ठाक डांसर जरूर हैं लेकिन एक्टर नहीं, लेकिन इस फिल्म से उन्होंने साबित कर दिया है कि वो एक अच्छे एक्टर भी हैं और वो उनसे काफ़ी ज़्यादा प्राउड भी फील करते हैं। तो दोस्तों ब्लैंक देखने आप जा रहे हैं या नहीं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करें, देखो देखो जुड़े रहें हमारे साथ क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी आपको हर खबर यही मिलती है सबसे पहले।